एक तरफ आप 400 पार को लेकर श्योर नजर आ रहे हैं, एग्जिट पोल भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आप जितने भी इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात करेंगे, उनके बयानों को सुनेंगे, तो वो भी अपना पोल बता रहे हैं और 295 सीटों से ज्यादा वो जीतने जा रहे हैं। सरकार का क्या एजेंडा होगा ये तक बता रहे हैं सिंधिया जी। पुरानी हिंदी की कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और एक बात और मैं आपको प्राची जी बता दूं कि शायद मैं गलत हूं, पर यह पहली बार देश के प्रजातांत्रिक इतिहास में हुआ है कि एक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीन बार जब सरकार बनी हो तो सीट्स के आंकड़े हर बार बढ़ते गए हैं। 2014 में हमारे 282 सीट्स थी, 2019 में 303 सीट्स थी, और इस बार उस आंकड़े को भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त करने जा रही है। अब मैं स्टेट वाइज अगर आपसे चर्चा करूं और सबसे पहले आप ही का जो गृह राज्य है उसकी बात करूं, 100% स्ट्राइक रेट यहां पर बीजेपी मेंटेन करती आई है। एक सीट है छिंदवाड़ा की जो बीजेपी से मिस हो जाती है, जो छूट जाती है। हमारा एग्जिट पोल ये बता रहा है कि इस बार छिंदवाड़ा भी बीजेपी अपने कब्जे में कर रही है, यानी कि 29 की 29 सीटें आप लोग जीत रहे हैं। ये कमाल कैसे हो रहा है? प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी में विश्वास, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हुआ हो जहां सब लोग कह रहे थे और अनुमान लगा रहे थे सभी विशेषज्ञ कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, 230 में से 163 सीट पर भाजपा का परचम लहराया, और वही स्थिति लोकसभा में होने जा रही है जहां 29 के 29 सीटों पर प्रधानमंत्री जी के विश्वास के आधार पर भारतीय जनता का पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। अब जो विश्लेषक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं छिंदवाड़ा के बारे में, वो ये कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि दरअसल कमलनाथ ये सीट नहीं जीतना चाहते थे, तश्तरी में सजाकर ये सीट भारतीय जनता पार्टी को कमलनाथ की तरफ से गिफ्ट कर दी गई है। देखिए, अब आप कौन से विशेषज्ञ से बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन चुनाव चुनाव होता है और चुनाव में जो जीतता है वो सिकंदर होता है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर छिंदवाड़ा समेत अपना परचम लहराने जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यूपी के दो लड़कों की जोड़ी बड़ी जोरों शोरों से उतरी थी, कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। एग्जिट पोल ये बता रहा है कि हाल 2019 वाला ही होने जा रहा है, आप 64 से 70 सीटें जीत सकते हैं उत्तर प्रदेश में। ये दो लड़कों की जोड़ी फेल कैसे हो रही है बार बार? ये तो देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता आपको उत्तर देगी, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल तक, जो पिछले 10 वर्षों में विकास और प्रगति की लहर आ चुकी है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है, जहां भगवान राम का मंदिर बना है, जहां आजमगढ़ में एयरपोर्ट्स बने हैं, अयोध्या में एयरपोर्ट बने हैं, चित्रकूट में एयरपोर्ट बने हैं, जो विकास और प्रगति की गति उत्तर प्रदेश ने पिछले 10 वर्षों में देखी है, जो प्रदेश जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं उनके राज में गुंडागर्दी के लिए जाना जाती थी, हमलों के लिए जाना जाती थी, आज अमन चैन और शांति और विकास और प्रगति उस प्रदेश की पहचान रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और मुझे वहां भी पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भी एक नया रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी स्थापित करने जा रही है।